चलते मतलब कि उन दोनों में अनबन होती थी, आए दिन झगड़े होते थे, तो वही झगड़ा देख देख के मैं बड़ी हुई। और 9 साल की उम्र में ही मैं मतलब कि मम्मी मेरी जो है वो हम तीनों भाई बहनों को और पापा को छोड़ के वो किसी और के साथ चली गई थी। तो इसमें कुछ पापा की भी गलती थी, और आज ये है कि दुनिया मेरी माँ को गलत मानती है लेकिन मैं अपनी माँ को सही मानती हूँ। ठीक, तो उसमें मैंने क्या सीखा, मेरी लाइफ का जो स्ट्रगल रहा इन दिनों, जो भी मेरे साथ, जो अभी मैं स्टोरी बताने जा रही हूँ मेरी खुद की है ये, तो जो भी स्ट्रगल रहा मेरा, मैंने कैसे कैसे दुनिया में क्या क्या देखा है, कैसे कैसे लोग मेरे साथ जुड़े हैं, तो उसी पे मैं आपको बताऊंगी। तो जब मैं छोटी थी तो मम्मी छोड़ के चली गई थी, काफी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, पापा बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लग गए थे, तो जैसे तैसे करके एजुकेशन लिया, 12th पास आउट हुए, उसके बाद फिर कॉलेज वगैरह छूट गया। फिर उसके बाद किसी ने बोला कि तुम सिलाई सीख लो, तो तुम सिलाई में करके पैसा कमाना, ठीक है। और साथ ही साथ मतलब स्कूल जब छोटी सी एज से ही लोगों के घरों में मैं काम करने जाती थी, तो आज भी जब मैं अपने दिन याद करती तो मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। तो मैं लोगों के घर में काम करने जाती थी, जो पैसा मुझे वहां से आता था उससे मैं अपना ट्यूशन फीस भरती थी, अपना घर का खर्चा चला देती थी थोड़ा बहुत, ठीक है। और मंदिर से जो मिलता था वो मिलता था, मैं एज अ मेरे पापा मंदिर में सेवाधारी हैं, भोपाल में एक मंदिर है कोई फिजा में, वहां पे सेवाधारी हैं, तो मंदिर में ही हम लोग रहे। बस भगवान का ही शुक्र था कि हमको मंदिर में बहुत अच्छी जगह मिल गई थी।